subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. चासनी सी बात तेरी बर्फी के जैसा जिया, चासनी सी बात तेरी बर्फी के जैसा जिया, आँखों में थोड़ा नमक अंगूरी तेरा नशा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, देखूं तुझे तो भूलूं जहां, हाय हाय अमृत सा मेरा पिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया। तीखी नजर है आचार सी, आंसू है जैसे जहर, ओ बाहों में है मिस्री गोली, होंठ है जैसे शहद, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, देखूं तुझे तो भूलूं जहां, हाय हाय अमृत सा मेरा पिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया। रूठे कभी तो मिर्ची लगे, हंस दे तो पिघली बर्फ, ओ बोले अगर तो शीरी बाहें, छू ले तो मीठी जलन, चासनी सी बात तेरी बर्फी के जैसा जिया, आँखों में थोड़ा नमक अंगूरी तेरा नशा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, देखूं तुझे तो भूलूं जहां, हाय हाय अमृत सा मेरा पिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो मतलब ये कि बच्चे के पैदा होते ही उसके चरित्र और हाव भाव का पता चल जाता है।
मेरे बेटे ने भी पैदा होते ये बता दिया था कि उससे ज्यादा उबाऊ बच्चा पूरे कानपुर में कभी पैदा नहीं होगा। उसकी माँ उसके 9 साल होने से पहले ही गुजर गई। रह गए मैं और मरुधर। मैं जिंदा दिल और वो सिर्फ जिंदा। तब से उसके पीछे पागल सांड की तरह लगा हुआ हूं। कोशिश ये है कि घर में कोई नया चिराग खिले जिससे वंश भी बढ़े और ये अकेलापन भी दूर हो, कि जब भी मायूस मरुधर घर लौटे तो मैं 100 में से 100 दफा उसे घर के गेट पे ही मिलूं, नेम प्लेट से चिपका हुआ। उसकी माँ कभी समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर इसे रोज लताड़ा नहीं गया तो ये चलती फिरती लाश कब अपनी कब्र खुद ढूंढ लेगी पता ही नहीं चलेगा। आज का हासिल क्या है? आज कौन सी पिक्चर देख ली पापा? अबे चिलगोजे, आज की कमाई क्या है? क्या पापा, आप रोज रोज वही सवाल करते रहते हैं। मैं क्या कोई दैनिक भत्ते पे काम करता हूँ कि रोज नोटों की गड्डी लाके हाथ पे रख दूं? रोज रोज इसी उम्मीद से पूछता हूँ कि एक ना एक दिन तुम समझोगे। पगार तो मासिक होती है, सबको मालूम है। दैनिक तो ऊपर की कमाई है जो तुमसे कभी होगी नहीं। चलो छोड़ो, ये बताओ चौराहे में कोई लड़की पसंद आई कि नहीं? हा? कोई भी? अरे जाट, कायस, बंगन, ब्राह्मण, तुमको तो मालूम है हमें कोई एतराज नहीं। कितनी बार बोल चुका हूं मुझसे ये सब नहीं होता और ना ही होगा। तो होगा क्या? आपकी सीडी अभी तक चल रही है। कितनी बार बोल चुका हूं भगवान के लिए ये सब बंद कर दीजिए। ये सीडी चल रही है ना, इसलिए जवानी भी चल रही है। तुम्हारा बस चले तो 4 कंधों पे रवाना कर दो आपको कल ही। ए मरुधर, अबे मरुधर, सॉरी बे, अबे लड़की का मामला था यार, समझा करो तुम। जहां सेक्स की संभावना हो ना, वहां फैसले बड़े ध्यान से लिए जाते हैं, समझा करो। ये सेक्स ही तो लेट हुआ हमको, ना माँ बाप करते ना मुझे अवतार लेना पड़ता धरती पे। अरे यार, तुम फिर से अपने बाप का रोना रोने लगे? देखा नहीं मेरे बाप को कितना खजड़ू आदमी है? कानपुर के सभी बाप जल्लाद हैं, तुम्हारे हमारे बाप में ना कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क तो बेटे में है, बाप तो चाहे तुम्हारा भी जल्लाद हो, मतलब तो तूने अपना निकाल लिया ना। अरे तुम पांडे हो और हम शुक्ला हैं, तुम वो गौतम गोत्र से, हम मनु। अरे नेचुरल एडवांटेज है हमको, फर्क तो होगा ही। कौन सी नई बात है, मुझे तो आदत पड़ गई है। पैदा भी धक्के से हुआ था और आज भी धक्के ही खा रहा हूँ। हाँ, ये कौन सा धक्का जो हर बात पे तुम्हारा बाप तुमको बोलता रहता है? छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो। अरे अरे छोड़ो, बैठो बे। बकलोल भाइयों, कैसे हो? अरे अरे मरुधर, अपनी धक्के वाली कहानी सुना रहा भाई, सुनो, दोबारा मौका ना मिलेगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। अरे नहीं, कुछ कहानी बोला इसने? अरे अरे नहीं नहीं बोला। अरे कम ऑन, स्पिल द बीन्स ब्रो। फिर से तुम अंग्रेजी में उजड़ करने लगे, नया शौक कहाँ से चल रहा है तुमको? रोज रोज फिर भाई पढ़े लिखे अंग्रेजी बोल ले। वो सब छोड़ो, काम धंधा छोड़ के आया लड़का, काम की बात करो कुछ। ए पढ़े लिखे आदमी, ये जो फर्जी पटा लगा के जो जमीनी हथियाते हो, इसको धंधा कब से बोलने लगे बे? अबे सुनो बेटा, आज तुम हमारे पैसे देने वाले थे एटीएम से। सुनो, तुमसे बात कर रहे हैं, वो देखो सामने एटीएम है, जाओ निकाल के लाओ पैसा। पैसा? हाँ। अच्छा एटीएम, हाँ। वो सुबह गए थे हम वहाँ, गाँव माता जी धरना दिए सीएम की तरह है, और अभी आम आदमी को इजाजत नहीं है ना, तो जब तक उनका ट्रांजेक्शन ना हो जाए हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ओहो, गौ माता ऑल्सो हेल्पिंग कपिल खाता। हाँ, कोई बात नहीं। अरे मरुधरवा, ये धक्के की क्या कहानी है भाई? अरे भाई कुछ नहीं है भाई। अरे बताओ भाई। अरे छोड़ो छोड़ो, आज वैसे भी काफी बेइज्जती हो गई है हमारी। तो रोजी होती है, उसमें कौन सा नया है? कोटा खत्म हो गया। अरे बैठो तो सही, अभी तो मौज चाय पी लो यार। अरे मौज यानी सुरी, आओ तो। ए हट। किशन, 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 ये खाना गरम कर देना और ये 10 रुपए पकड़ो, नीचे से एक पैकेट छाछ या एक पैकेट दही ले आना। साहब मालूम है, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन पार्टी अभी भी तैयार खड़ी है। 25 लाख का मामला है, निबड़वा दीजिए। 4-5 लाख कहीं नहीं गए। कितनी बार कहा है ऐसी तामसिक बातें मत किया करो हमसे। ये पैसे पकड़ो और जो कहा है वो लेके आओ। अरे पैसे रखो सर, आज की छाछ मेरी तरफ से, और दुकान पे ये चिल्लर रखूंगा ना तो लोग मुझे प्यून समझेंगे। लेकिन आप प्यून ही तो हो भाई। अरे हाँ, तो विविध भारती पे थोड़े ना बुलवाना है, इज्जत इज्जत होती है भाई। अबे ये क्या रोज रोज पालक की सब्जी और अरहर की दाल ले आते हो? नहीं वो घर के पीछे उगाए हो क्या? नहीं ऐसी कोई बोर बात नहीं। भी नहीं होते, चलो मेरे डेस्क पर आओ, अबे बर्गर खिलाता हूँ बर्गर। हम बर्गर बर्गर नहीं खाते लंच में,
ये पालक जो है ना बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हाथ लगा के देखो। अबे ये मेरी कोई उम्र है जो लड़कों के जुल्फों में हाथ फेरूं? अब हद हो गई यार। वो देखो बॉस की वाइफ क्या लद के आई है आज। हाय, टिफिन उसको देती है और भूख भूख हमारी मिट जाती है। भाई एक बच्चे की माँ है वो। हा? तुम्हारी बड़ी बहन जितनी उम्र है उसकी, और ऊपर से आप शादीशुदा हो, आपको शर्म नहीं आती? अबे किस बात की शर्म बे, अब वो इतना मेहनत करके रोज आती है। अब मुशायरे में कोई मशहूर शायर आए और हम इरशाद भी ना कहें। खैर तुम छोड़ो, तुम अपनी पालक खाओ। यस सर। अरे भाई ये ग्लास भी ला दीजिए, ग्लास भी ला दीजिए। ये मैं कैसे लूंगा इसको? ग्लास अल्लाह ये सर मैं कर नहीं, नहीं, मैं करता हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं, मैं मुझे मुझे दे दीजिए आपसे। अरे नहीं होगा, अरे नहीं होगा आपसे, मुझे करने तो दीजिए आपसे। नहीं होगा भाई, लाओ लाओ लाओ। सही कह रहे थे आप सर, हमसे नहीं हुआ, हम निकलते हैं सर। अरे यार परसों ही तो सिलवाई थी, पापा जबरदस्ती भसड़ मचा देंगे उसको लेके। कहाँ लेके गया भाई? लो आ गया तुम्हारा लड़का। तो ये हर वक्त ऐसी शक्ल लेकर क्यों घूमता है? मुझे क्या पता। क्या सिखाया तुमने इसको? बाप पे गया है भाई, मैं तो ऐसा नहीं था। अरे तुम्हें तो पता ही है कैसा था मैं। और तुम भी काफी जिंदा दिल थी यार। अब तो खैर जाता हूं, खबर लेता हूं तुम्हारे लड़के की। आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ हाँ ठीक है ज्यादा नहीं डांटूंगा, तुम चिंता मत करो। अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई। आज भी कोई कमाई नहीं हुई, फिर से शुरू मत हो जाइएगा। बोल के भी क्या फायदा, फटी बांसुरी से सरगम निकली है कभी? अरे तो छोड़िए ना, क्यों बात कर रहे हैं? अरे ये कौन है? संध्या कहाँ है? आप बता नहीं सकते कि घर में कोई है? घर में तुम्हारा बाप है, इतना काफी नहीं है कि तुम अंग प्रदर्शन ना करो? और वैसे भी लड़कियों को सब पता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो संध्या का काम अच्छा नहीं था, उसको निकाल दिया मैंने। आपको कहाँ किसी काम वाली का काम पसंद आया आज तक? सीडी से मन नहीं भरता तो घर में भी वैश्य बना शुरू कर दिया आपने। बकवास बंद करो, 480 रुपए दो, उसको एडवांस में पगार देनी है। ये क्या 500 रुपए का नोट दो। अरे खुले हैं मेरे पास। 500 का नोट दो ना तुम। लक्ष्मी जी साहब ये लो पगार लो एडवांस में, कोई देता नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूँ। हाँ ये लो 500 रुपए। हाँ साहब मैं पूरे रख लू, सगुन के लिए अच्छा होगा। नहीं नहीं पागल हो गई हो क्या, 20 रुपए वापस करो। साहब मैं छुट्टे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम्हारे पास हैं, हैं होंगे देखो ना, मतलब कहीं होंगे देखो ना। ये लो साहब कंजूस। बाप के सामने शरमा रहे हो वो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर परसों अगर घूंघट में नजर आए ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। अब परसों क्या है? लखनऊ चलना है त्रिपाठी जी के घर लड़की देखने के लिए। देखो हमने तय कर लिया है कि रिश्ता तय करना है, अब तुमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है तो हम ही तुम्हारी लाइफ सेटल करेंगे ना, और क्या करें। अ
अरे मैडम, जब रोज की बात है तो रोज चेहरा क्यों बिगाड़ती हैं आप? चलिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि जब मेरा खुद का पार्लर होगा और बिजली गई तो मेरी तरफ से आपको 50% discount. हाँ बेटा, वो तो ठीक है, मगर हाथ के बाल छिलवाने थे, जरूरी था, आज दामाद जो आ रहा है तो कर लेंगे ना, अभी मशीन ठीक हो जाएगी। अरे तुम फिर आ गए, बोला ना ये लड़कों का पार्लर नहीं है और वैसे भी अभी लाइट नहीं है। अरे अपने हाथ से कैंची चला दीजिए ना, कचाकच कचाकच, कौन सा उसमें बिजली लगनी है, कब है? अच्छा अच्छा, ये लड़का शैतान है, कह रहा है कि दीदी के तो हाथ में करंट है, ट्रांसफार्मर पर हाथ रख दे तो पूरे शहर में दीपावली हो जाए। चुप, अरे निकलो यहाँ से, और खबरदार जो इस लुच्चे को फ्री कटिंग के लिए लेकर आए ना तो निकलो यहाँ से। अरे काट दीजिए ना मैडम, एक बार लड़के का जज्बा तो देखिए, महीने में 4-4 बाल बाल कटाता है, गंजा हो गया है, लेकिन मानने वाला नहीं है। लोगे पी लो, जहर है, वैसे भी तुमको आदत सी है। अरे ये यहां पे क्या कर रहा है? ये तुम्हारी तरह बेअकल नहीं है, इसको ऊपर की कमाई करनी आती है। तुम्हारी दिक्कत क्या है बे? दिन भर ऐसा चेहरा लेकर क्यों घूमते रहते हो जैसे किसी ने बांस दे रखा हो? पूरे कानपुर को चिंता है तुम्हारी? जब बाप को चिंता नहीं है तो कौन सा कानपुर के आशीर्वाद से मोक्ष मिलेगा हमें? 28 साल के हो गए हो, और कितनी चिंता करे तुम्हारी? जरा अपनी तरफ देखो तुम यार, तुम्हारी जिंदगी में ना तो कोई लड़की है, ना मजा है, ना नौकरी करने का चाव है, ना ही कोई शौक रखते हो। तुम्हारी मौत भी तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, मालूम है? अब कुछ बको भी, भाई बाप है तुम्हारे, हमसे नहीं कहोगे तो और किससे कहोगे? आपसे तो नहीं कहेंगे, अब सोने दीजिए मुझे प्लीज। मालूम है जब तुम पैदा होने वाले थे ना तो हम मन ही मन चाह रहे थे कि हे भगवान लड़की हो जाए बस, लेकिन आज पता चला कि भगवान ने तो उसी दिन हमारी सुन ली थी, बस हम ही नहीं पहचाने। नरगिस जी चलिए। यस सर। साहब पार्टी अभी भी तैयार खड़ी है, आप हाँ का हाँ भी बोलोगे ना तो मैं मिलवा दूंगा। चल। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, देखो या तो ये लड़का मेरी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? पूरी बात तो सुन लो तुम। अच्छा तो फिर उस दफा तुमने ऐसा क्यों कहा था? तो कर लो अपनी मर्जी की। हाँ तो करने दो ना मुझे फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो या तो ये लड़का खुली हवा में सांस लेगा या फिर तुम मुझे जितना टोकती रहो मैं उसके पीछे पड़ा ही रहूंगा। और कर भी क्या सकते हो? पर्दा डाल रहा हूं, गुड नाइट। अबे क्या देख रहे हो बे? हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ऐसे एनिमल दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम क्या पढ़ रहे हो बे? अबे ये भाई की किताब है, कहता है सर्राट से अंग्रेजी सिखा देगी, उसके बाद लड़कियां यू पटेंगी। अच्छा साला लड़की पटाने के लिए पढ़ाई करना पड़े, ऐसे बुरे दिन आ गए। अमरदर काहे दीवार घूर जा रहे हो यार, लड़की है क्या जो सम्मोहित कर रहे हो उसे? हैं? मैंने कहा घर जाओ, कूलर चलाओ, सो जाओ, फुटपाथ की नींदों में सपने नहीं आते। नहीं जा सकता। Why dude? क्योंकि घर में बाप है, बाप में उम्मीदें हैं और मुझ में उनको पूरा करने जैसे कोई आसार नहीं है। ब्रोज बिफोर होज, मतलब लड़की से पहले दोस्त आते हैं। गलत लिखा है, इट्स ऑलवेज होज बिफोर ब्रोज मैन। यार तुम चुप करो यार। hey brother, थोड़ा रुमानी हो जाओ, याद करो पहली बार किसी लड़की को देखा था तो क्या हुआ था? है क्या हुआ था? गैस हुई थी, तुम्हारे यहाँ तो चाट खा रहे थे। लव एन एसिडिटी। दोस्ती के नाते समझा रहे हैं, बुरा ना मानना, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। तुम ए लुक ना दो। अच्छा ये बताओ, यूपी के जितने छोटे शहर हैं उनके सभी नौजवान लड़के जो है ना, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मुझे क्या पता, कब्ज। सही गुरु, कॉन्स्टिट्यूशन। अरे पेट से एक फुट नीचे की बात कर रहा हूँ। यूपी के किसी भी शहर में जाके देख लो, लड़का बोलता है कि पैसे चाहिए तो बाप,
पॉकेट मनी के नाम पे चाटो चिल्ले चिपका देता है। लड़का बोलता है कि खेलने जाना है, तो बाप का बोलता है बेटा पहले 18वीं तक पढ़ लो, पूरी नॉलेज ले लो, उसके बाद जो चाहे कर लेना। बेटा सोचता है कि थोड़ी दारू पी ली जाए, तो बाप की लाठी याद आ जाती है। और रही सही में तो लड़की का ख्याल ही नहीं आ सकता। लड़की के बारे में सेक्सी विचार आना तो जैसे चिकनगुनिया से भी खतरनाक बीमारी है। इधर बाप को पता चला, उधर माँ बाप की नजरों में तुम बिना कुछ किए वैसी दरिंदे हो गए। और ये सब इनका बाप एक थाली में परोस के दे रहा है। और ये कह रहे हम तो मरुधर पांडे हैं, हम तो बोरियत का गिनीज रिकॉर्ड बनाएंगे। खुद ही सोच के देखो यार, जिंदगी के जब पेच लड़ रहे हो तो थोड़ी बहुत ढील छोड़नी पड़ती है मरुधर। अभी शक्ल देख मेरी, मैं औसत लड़का हूँ, मरुधर एक्सप्रेस की डिब्बे से ज्यादा औकात नहीं है मेरी, और वो भी फर्स्ट एसी नहीं सेकंड स्लीपर। आज तक किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन नहीं आई है मेरी, किसी लड़की ने मुड़कर नहीं देखा मुझे, किसी टीचर ने पीठ नहीं थपथपाई। बाप की लगवाई नौकरी करता हूँ जहाँ पीएन भी मुझ पे दया करके पैसे नहीं लेता मुझसे। देख मुझको, मैं वो लड़का हूँ ही नहीं जिसने अपने बाप से कभी जिद की हो, जिसने किसी लड़की से छुप छुप के मिलने के ख्वाब देखे हो। जिन लड़कों की तुम बात कर रहे हो ना, वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। अरे भाई ये तो अजय देवगन वाली। हाँ हाँ वही है। अबे जिसमें पागल होता है। हाँ बे रद्दी पिक्चर है, ध्यान ना दो। और पता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, कोई बैक स्टोरी नहीं है, ना बाप ने पीटा है ना माँ ने ताना दिया है। बाप सही था, मैं तो लड़का हूं ही नहीं। अबे अबे, अबे तुम्हारी भाई क्या है। अबे सुनो, ये सुष्मिता और धर्मेंद्र की लड़की थी जिसमें वही पिक्चर है ना है? अरे यार तुम चुप करो यार, कहाँ फंसा रहे हो। अबे पूरे क्लाइमेक्स की ऐसी की तैसी कर दी। बिजली विभाग में तुम्हारी नौकरी लगवाई थी कि कम से कम हमारे घर की बिजली ना जाए है? और वो भी ऐसे संगीन मौके पर। साला एक चीज मांगते हैं सरकार से, करेंट, और वो भी नहीं हो पाता इनसे। पता नहीं कब सुधरेगी ये सरकार। किशन दो समोसे दो खिलाओ उनको। नहीं नहीं, अरे खाइए ना आप। आप लीजिए। नहीं नहीं बस, लड्डू दो। आप भी कुछ लीजिए ना। मैं बस ले रहा हूं। अरे मरुधर आओ 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 आओ। ये है शशिकांत पंडित जी। जी नमस्ते। नमस्ते। अपने भांजी का रिश्ता लेकर आया तुम्हारे लिए लखनऊ से। हैं? हाँ, मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ कि तुम्हारे लिए भी कोई रिश्ता आ सकता है। लेकिन हम रिश्ता लेके जाने वाले थे ना लखनऊ, रिश्ता तो लड़के वाले लेके जाते हैं ना। अब पौराणिक ज्ञान बंद करो तुम, तुम्हारे साथ इतना रिस्क नहीं ले सकते हम। भाई पुराने मित्र है हमारे, कानपुर आए थे इसलिए यहाँ चले आए, और बातों बातों में बात बन गई। अब जाओ जल्दी कुल्ला करके आके बैठो यहाँ पे, जाओ। इनका तो आपको पता ही है, जब से लकवा मारा है थोड़े ढीले हो गए हैं, तो हमने सोचा शशि को साथ ले चलते हैं। काम की बात जितनी जल्दी हो जाए अच्छा ही है। बेटा ये तुम्हारी चित्रा के मामा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसी चल रही है बेटा नौकरी आपकी? हाँ, काहे की नौकरी चलेगी शशिकांत जी, ये जितना कमाता है उससे ज्यादा तो मेरी पेंशन से स्वच्छ भारत टैक्स कट जाता है। अरे कैसी बात करते हैं आप, आजकल ऐसे सुशील लड़के मिलते ही कहाँ हैं। आजकल जिसे देखो वो फेसबुक पे अपनी इज्जत नीलाम करने पे लगा हुआ है। मैंने तो सरला से पहले ही कह दिया था कि ऐसे मरुधर जैसे लड़के अब बना नहीं करते। ये तो सही कहा आपने। बेटा शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ, अरे उससे क्या पूछ रही है, शादी तो करनी ही है। आप ये बताएं कि लड़की देखने हम कब आए? शनिवार को रखते हैं। बिल्कुल भाभी जी। ए, हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शनिवार? नहीं यार मुझे नहीं जाना है लड़की देखने। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना, तुमको नींबू पानी चढ़ गई काबे? अरे क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो ब्रो। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ वाइफ। हाँ, स्पाइस ऑफ वाइफ बिल्कुल। अरे इधर सुनो, देखो तुम्हारी जिंदगी जो है ना बिल्कुल मुगल काल जैसी पुरानी है। एंशिएंट। हाँ देखो देखो तुम हमारी तरफ देखो, देखो हम गलत नहीं बोल रहे, तुम जानते हो है? सलीम का अकबर से झगड़ना बनता था क्योंकि अनारकली दाव पे थी। यहाँ तुम अपने बाप से इसलिए झगड़ रहे हो क्योंकि वो तुमको अनारकली के पास लेके जा रहा है। मतलब सेंस क्या है इस बात का? नॉनसेंस है, बिल्कुल नॉनसेंस। अब दो होनहार बिरबल तुम्हारे सामने बैठे हैं तो जो भी लेना है हमसे लो ना सजेशन, मिल के आओ। लेकिन लड़की पसंद नहीं आई तो? अरे एक और बार मैं अपने बाप को निराश नहीं कर सकता, और लड़की पसंद आ भी गई तो मेरे तनख्वाह पे मैं उसे कैसे रखूंगा? वो तुम्हारा बाप है, उसको तुम्हारी शादी से मतलब है, समझे? वो तुम्हें 100 लड़कियां और दिखा देगा। अब तुम खुशी खुशी जाओ और हमारे लिए एक टंच भाभी लेकर
आओ। बाकी के दिक्कतों का जुगाड़ मैं तुझे तब दूंगा जब तू हमारे लिए भाभी पसंद कर लेगा, है कि नहीं? गो एंड गेट हर ब्रो। ठीक है। अजी पूरा दिन तो औरतों की झाड़ फूक में लगी रहती है। अब ये बताइए, चेहरे पे पुट्टी पोतने से भला कोई सुंदर दिख सकता है? खैर छोड़िए, मर्दर के साथ रहेगी तो अपने आप सीधे रास्ते पे आ जाएगी। अरे कैसी बात कर दी पंडित जी आपने, इसका सीधा रास्ता तो सीधे आत्महत्या को जाता है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि चित्रा के साथ रह लेगा तो जीवन की दो चार बातें सीख समझ लेगा। पापा लताड़िएगा मत, मैंने कहा ना लड़की से मिल लूंगा। अबे तुम्हारी फिक्र किसको है, मैं तो समधन को देख रहा हूँ। पापा प्लीज। अरे उसके पति को देख, 250 साल का लगता है हा? और रहे सहे में जो काम का शरीर है वो भी काम से गया, बेचारे पर बड़ा तरस आ रहा है यार। ठीक से देख, वारंटी के बाद भी कैसी चमक रही है, कहां फंस गई इस लंगड़े के साथ यार। हद है यार, कुछ तो शर्म करो। अरे मैंने इनकी नौकरानी को लेकर बोला कुछ? देखते ही परख लिया था A1 है, पर बोला कुछ? आज स्टैंडर्ड हाई रखूंगा यार। अजी क्या बात हो गई, चले भैया कुछ फेंक रहे कहीं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो इस नाला को समझा रहा था कि इतने अच्छे घर में शादी होने वाली है तो बहू का ख्याल रखना। हाँ समोसे थोड़े कच्चे जरूर हैं। जी अब दूसरे मंगवाएं क्या? अरे रिंकू जी, बाबूजी बेटा जरा चित्रा को बुला दो। अरे पंडित जी कहाँ आप इन रस्मों में उलझकर अपने बालों को सफेद कर रहे हैं है? मैं तो कह रहा हूँ कि लड़का और लड़की दोनों को आपस में मिल लेने दीजिए, दोनों आपस में बात कर लेंगे तो बाद में हमें ना कोसेंगे। आप कहें तो मैं मरुधर को अंदर भेज दूं। हालांकि पहले तो मुझे थोड़ा संकोच था, लेकिन अब मरुधर है तो जैसा आप समझे। यही तो दिक्कत है, जाओ अंदर जाओ मिल लो। जी पंडित जी, वो दांत वाली डंडी है क्या? नमस्ते। नमस्ते, आपको देखा है मैंने। कहाँ? बीच बाजार में उस दिन आपकी बाइक अटक गई थी और आप किक मारते नहीं थक रहे थे। हाँ याद आया। आपको याद है वही काफी है। अरे वहाँ सामने ही तो वर्मा आंटी का घर है, बेटी की शादी है ना, मैं ही ब्राइडल कर रही हूँ। हाँ। हर शुक्रवार आती हूँ मैं लखनऊ से कानपुर। हाँ मनोहर चाचा बता रहे थे आपको ब्यूटिशियन बनना है। ब्यूटिशियन तो मैं हूँ, अब तो मुझे पार्लर खोलना है अपना। मनोहर चाचा, चाचा की बेटी से कोई शादी करता है क्या? ओह माफ कीजिए, मेरा मतलब मनोहर अंकल। तो आप करते क्या है? OFFIC में काम करने के अलावा वो तो सभी करते हैं। OFF ऑफिस? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस बचपन के कुछ दोस्त हैं उनके साथ टहल लेता हूँ, कभी कदा पिक्चर देख ली, बस यही सब। अब आप भी कुछ पूछेंगे या यूं ही मेरे पैर की नाखूनों की पॉलिश निहारते रहेंगे? वो कानपुर में आना जाना है, कैसा लगा आपको शहर? कानपुर? कानपुर तो कई बार आई हूँ, लेकिन वहाँ पसंद करने जैसा है क्या? एक तरफ नवाबों का शहर और एक तरफ पान मसाले और चमड़ी का शहर, कानपुर और लखनऊ में कंपैरिजन ही नहीं है। एक मिनट, ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं हम कानपुर वाले, और सड़कें अच्छी बनती है लखनऊ की। कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है ना तो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होता है, और राजधानी है लखनऊ। हो गया, गंदगी देखी आपने अपने वहाँ। जाहिलों की तरफ पान थूकते रहते सारे, लाइट आती नहीं और मुकाबला करेंगे लखनऊ से। IIT है कानपुर में, और ये जो अखबार पढ़ा है ना दैनिक जागरण, ये कानपुर से निकलता है। हो गया, एक पैसे की तमीज नहीं है लड़कियों से बात करने की, दिखा दिया ना अपना कानपुरिया अपना। माफ कीजिए, मैं तो कभी ऐसे बात नहीं करता हूँ, पता नहीं आपके सामने। पता है आपके पापा मेरे पापा को फोन पे कह रहे थे कि आप जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आए, और आज तक किसी लड़की को भी मुड़कर भी नहीं देखा। ये आपकी तारीफ है, सच्चाई, आदत या मजबूरी? ये तो निबंध वाला सवाल पूछ लिया आपने, जो आज तक मुझसे लिखा नहीं गया। आप कुछ भी समझ लीजिए, मैं तो हूँ ही ऐसा, आज तक कुछ खास नहीं किया है और आगे कुछ खास करने की उम्मीद भी नहीं है। बात उम्मीद की नहीं, बात चाहत और इच्छा की है। शादी करोगे मुझसे? सच बताऊं तो आप मुझे पसंद आई, लेकिन आपके तो बड़े बड़े सपने हैं, मेरी तो नींद भी सपनों वाली नहीं होती है।
आपको पता है मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है कि सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर मेरा हो, जहाँ से ये छोटे शहर की आम सी लड़कियाँ खास बनकर निकले, और जब मैं घर पहुँचूँ तो कोई हो जिससे मैं एचओटी लगूँ। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का, आप सोच के हाँ बोल दीजिए। हाँ मैंने बोल दिया, सोच आप लीजिएगा। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। अबे लड़के ने पहली बॉल पे स्टेप आउट करके छक्का मारा है। यू मीन हेलीकॉप्टर शॉट आउट ऑफ द पार्क। पता नहीं यार, मुझे अच्छी लगी तो हाँ बोल दी मैंने, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है यार, कैसे संभालूंगा? 15,000 में तो खुद का गुजारा नहीं होता है। मैंने तुझे कहा था ना, जब सही वक्त आएगा तो तेरे ये दोनों बिरबल तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। कैसे? अपने पिताजी की आंखों से देखो, उसके नालायक बेटे की शादी तय हुई है, उसकी हालत तो सेफ्टी की तरह है, जो मैच्योर होकर बेसब्री से टूटने का इंतजार कर रही है। अब तुम अपने बाप से ये बोलोगे कि शादी तुम करोगे और जेब हमारी कटेगी। जी मतलब कि मैंने लड़के को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया कि वो घर में बहू लेके आए और मैं हंसने खेलने की उम्र में उन दोनों को पालूं। जी तेरा हूं मैं कायल, तुझ पे हूं मैं पागल, मेरे दिल का रहबर सिर्फ तू। ले ले तू तलाशी यारा आके मेरी, बाहर और अंदर सिर्फ तू। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। संभाल के रखेगा, याद रखेगा कि आज से हमारी पिक्चर शुरू हुई थी। चलो। अरे भाभी जी नमस्ते। और भाई क्या हाल है? अरे पप्पू। हाँ भैया। अरे पप्पू थोड़ा सा समोसा लाओ, थोड़ा सा गुजिया लाओ, जल्दी से हरी वाली चटनी लेके आओ अंदर से, जल्दी से। भाभी आई हैं, बताइए कैसी हैं? कैसे है कपिल भैया? नमस्ते सुंदर भैया। Hey sis, what did I miss? आप इसके चक्कर में ना पड़ो, ये बकलोल है। आप पहली बार हमारी दुकान पे आई हैं। लीजिए भैया जी, थोड़ा गरम खस्ता खाइए, समोसा खाइए। और खाते खाते बताइए कि मेरा भाई जैसा दोस्त कैसा लगा आपको? अरे लो ना पकड़ो ना। सब ठीक चल रहा है। अरे तुमसे कौन बात कर रहा है, हम तो भाभी से बात कर रहे हैं। कसम से भाभी जी, बहुत खुशकिस्मत है ये कि आपकी जैसी लड़की फंस गई। पट गई मतलब बंध गई, वो शादी के बंधन से बंध गई। बड़ा ही बदकिस्मत है ये। कसम से भाभी जी, फ्लाइट में जाता है और आरएसी की टिकट आ जाती है। कपिल भैया थोड़ी इंतजार की बात होती है, आरएसी भी कंफर्म हो ही जाती है। वैसे चित्रा, तुम्हारा खुद का तो पार्लर है नहीं, लेकिन तुम्हारे रेट कोई पार्लर से कम नहीं है। आंटी सिर्फ रेट नहीं, काम भी तो पार्लर जैसा ही है। QUALITY आंटी। और अगर रेट पार्लर जैसे नहीं होगी तो पार्लर कैसे खुलेगा एक दिन? हाँ हाँ, मेरे ही पैसों से बनवा ले अपना पार्लर। और ये क्या बड़े शहर के चौचले पाल रखे हैं, जब देखो अंग्रेजी में झाड़ती रहती है,
आंटी ये बड़े शहरों वाले चोचले नहीं छोटे शहर वाली खासियत है। अब देखिए ना आंटी, सब मेरे ब्यूटिशियन के काम को नकली कहते हैं, लेकिन नकली तो ये दिल्ली मुंबई वाले होते हैं जो इंग्लिश में बोलना जरूर जानते हैं, लेकिन शब्द का मतलब क्या है, स्पेलिंग क्या है, उनसे इसे कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए ना, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आपका हेयर स्टाइल मुझे बड़ा AWSOME लगा, तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं दिल से बोलू। इनका क्या है, लड़की कैसी है, ऑसम, मौसम कैसा है, ऑसम, खाना कैसा है, ऑसम। हद है यार, ऐसे करो। अरे आंटी मैं तो भूल ही गई, क्या ये शादी का कार्ड है आंटी, अब पहले शादी होगी और फिर पार्लर खुलेगा। अच्छा, अरे मुझे नहीं लगा था कि तुम कि मैं इतनी जल्दी कर लूंगी। हाँ आंटी, शादी है क्या, एक दोस्त ही तो चाहिए ना लाइफ टाइम के लिए, मिल गया तो कर ली, और वैसे भी मैं मेहंदी मंगलसूत्र टाइप की तो हूँ नहीं। कुछ ही दिनों में शादी मेरी होने वाली है। अरे इस बुलबुल की अब आजादी होने वाली है, दुनिया मेरी दिल की बात समझ नहीं पाती है। कोई तो पूछे क्या मुझको है, फिक्र सताती है। बलमा ऐसा ना निकले, बलमा वैसा ना निकले, सोचूं मैं तो घड़ी घड़ी सोच पे बस ना मेरा चले। हो बलमा ऐसा ना निकले, बलमा वैसा ना निकले, सोचूं मैं तो घड़ी घड़ी सोच पे बस ना मेरा चले। ऐसा ना निकले बलमा वैसा ना निकले, ऐसा ना निकले बलमा वैसा ना निकले। हो बलमा ऐसा ना निकले, बलमा वैसा ना निकले, सोचूं मैं तो घड़ी घड़ी सोच पे बस ना मेरा चले। का करूंगी मैं अगर बलमा के मुंह में बदबू, आय हाय। का करूंगी मैं अगर बलमा के मुंह में बदबू, उल्टी आएगी जो मुझसे कहेगा चुम्मा दे तू। बस चला तो घिस दूंगी मंजन से दांत में उसके, बस चला तो घिस दूंगी मंजन से दांत में उसके। ओ बलमा, ओ बलमा ऐसा ना निकले, बलमा वैसा ना निकले, सोचूं मैं तो घड़ी घड़ी सोच पे बस ना मेरा चले। करूंगी मैं अगर बलमा निकला शराबी, का करूंगी मैं अगर बलमा निकला शराबी, देर रात को घर आएगा करके नशा कबाबी। बस चला तो दे के प्यार छुड़ा दूंगी लत उसकी, बस चला तो दे के प्यार छुड़ा दूंगी लत उसकी। ओ बलमा, बलमा ऐसा ना निकले, बलमा वैसा ना निकले, सोचूं मैं तो घड़ी घड़ी सोच पे बस ना मेरा चले। हाँ ऐसा ना निकले, बलमा वैसा ना निकले, ऐसा ना निकले, बलमा वैसा ना निकले। हो बलमा ऐसा ना निकले, बलमा वैसा ना निकले, सोचूं मैं तो घड़ी घड़ी सोच पे बस ना मेरा चले। हाय पापा, आप प्लीज आप यहां से जाइए, वैसे भी मैं बहुत टेंशन में हूं। ये यहां पे क्या कर रहा है? ये साक्षी है।
ये तो अपना किशन है। अब इस वक्त का साक्षी है। हम दोनों के बीच जो बातें होंगी ना, ये उसका गवाह है। और तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो भाई? चले जाना, पहले पूरी बात तो सुन लो। अब क्या बात है, आपके कहने पे ही शादी कर ली मैंने। अब ये मत कहना कि आप शर्त से मुकरने वाले हो। आपने वादा किया था कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी आपकी होगी जब तक मैं सेटल ना हो जाऊं। नहीं नहीं, बात ये है कि बात जो है वो परिवार की जिम्मेदारी की थी। तो परिवार कहाँ है? सेक्स के भूखे युवक युवती को तो परिवार नहीं कहते ना बेटा। मतलब? मतलब कि एक साल के अंदर मुझे पोता या पोती चाहिए। देखो बहू को तो 9 महीने लगेगी, तो वहां एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुम्हारे पास बचे 3 महीने, तो बीज को बो डालो। देखो थ्योरी हमने समझा दी, अब प्रैक्टिकल में तुम लग जाओ। ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आप इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हैं? अपनी बात को सुनिए आपने। ये घर मेरा है और मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चला जाऊंगा, खुद से बात करूंगा। तुम अगर मेरे बेटे नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें अपना किरायेदार तक नहीं रखता। तो अगर इस घर में गुजर बसर करनी है तो बाप का कहा मानो, वरना कानपुर की सड़कों में भूखे नंगे बहुत से लोग सोते हैं। 3 महीने बाद तुम भी सो जाना, ठीक है? चलते हैं, सीडी पॉज में छोड़ के आए हैं। पार्टी रेडी है, 25 लाख कैश। ऐसी भी कोई शर्त रखता है अपने बेटे से? हाँ मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बस ये मत कहना कि कुछ गलत काम मैंने। अरे तुम्हारे लड़के का क्या भरोसा, ना जाने कितने साल तक तरसाए मुझे। सुनो, इसके साथ जबरदस्ती ना करो ना, तो ये एक बार को सांस लेना भी छोड़ दे। इतनी रात को नींबू पानी? आप चेंज करके आ जाइए, फिर हम करते हैं, मतलब बात करते हैं। क्या बोल रहा हूँ यार, चुप रहे। अब और कितना चेंज करूं? और चेंज क्यों करूं, गरबा खेलने जाना है क्या? तो आपको कैसा लगा फंक्शन? आपका मतलब शादी? हाँ वही, मतलब पहली बार कर रहा हूँ ना, और वो लव मैरिज नहीं है ना, तो मुझे फंक्शन जैसा ही लगा। दुनिया भर के अजनबी आए हुए थे तो। खैर छोड़िए, मेरा भी पहली बार है, शादी भी और आज रात भी। आपकी फोटो देखी मैंने ड्राइंग रूम में। हाँ। बचपन में कबड्डी खेलते हुए, आपने तो कहा था कि आप खेलते वेलते नहीं थे। हाँ नहीं, वो मुझे कबड्डी अच्छी लगती थी, वो पढ़ाई वढ़ाई में हो नहीं पाया। अच्छा, तो शायद आज रात भी आपको अच्छा लगे। दिखाइए। नहीं नहीं, वो पहले दिन ही स्ट्रॉबेरी। क्या है ये? कुछ तोहफा देना था, शर्ट बुशर्ट दे देते, कंदोम का पूरा गोदाम देना जरूरी था क्या? His idea bro। मतलब छोड़ो, ये बताओ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कैसा लगा? हाँ अच्छा था, अच्छा था। You tasted it bro। कसम से इनका बाप बहुत ही क्रांतिकारी लेवल का आदमी है। फ्रीडम फाइटर। और क्या मतलब, शराब और शादी तक तो ठीक था, शादी के बाद 3 महीने तक लगातार सेक्स करने की आजादी। हाँ? और आजादी नहीं, विवश भी कर रहा है। मतलब पंडित जी धन्य है, कसम से दुनिया के किसी भी बाप ने
अपने बेटे को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया होगा। अरे वो आशीर्वाद नहीं, डंडा देता है मेरा बाप। और कितना भी क्रांतिकारी हो, दिक्कत तो मुझे ही हो रही है ना। तुझे पता नहीं कल रात में कितना प्रेशर में था, और ऊपर से तुम दोनों ये यू मीन फेलियर टू लॉन्च। ए तुम चुप करो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपना वो इसरो है ना, उसने भी अपनी कौन सी पहली मिसाइल सही सात टाइम पे छोड़ दी थी। पहली बार है, ऐसा ही होता है बे। अच्छा तो तुम दोनों के साथ भी पहली बार यही हुआ था क्या? नो ब्रो, डेब्यू सेंचुरी। अरे मतलब पागल वागल हो गया, हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए हम लोग तो आत्महत्या कर लें। क्यों है कि नहीं? हाँ। है? अरे तुम डरते क्यों हो? तुम्हारा बिरबल है ना तुमको रास्ता दिखाने के लिए। बताओ ना, बार बार इतनी जिल्लत नहीं होगी ना मुझसे बर्दाश्त। ऐसा है, तुम अपने बाप को जाके ऐसा बोलो कि हमको तो ये करना है। तुम्हें सिनेमा पसंद है? हाँ बहुत। आपके पास मूवीज हैं? हाँ लेकिन अंग्रेजी में, चलेगी? बिल्कुल चलेंगी। अरे सुनिए तो, साथ में देखेंगे ना? हाँ दरअसल पापा के रूम में है, मैं लेके आता हूँ, तुम रूम में मिलो मुझसे। बटरफ्लाई बहुत अच्छी है। बटरफ्लाई? अच्छा। उल्टे आदमी हो क्या तुम? शादी करवा तो दी तुम्हारी, सीडी भी बनवा दी, अब ये सीडी चाहिए तुमको? हाँ? अरे अरे बंद क्यों कर दिया? अब तो हमारी नींद खुल गई। अरे वो अफ्रीकी लड़का है, चिंता की बात नहीं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। जाग रही हो? देखो अपने लड़के की करतूत, गलत आइडिया लगा बैठा। अरे तू हर रोज मेरे पहले कैसे पहुंच जाता है बे? आ गए खाना खाने? अब जल्दी से खाना ठूसो और अंदर की ड्यूटी पे लग जाओ। चलो ऑफिस में ही खा लेंगे कुछ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे बहुत शर्माते हैं? मैं तो सभी से शर्माता हूँ, और फिर आप तो लड़की भी हैं। कोई भी लड़की नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। सो तो है। पता है मैंने जो सांडी से ब्यूटी कॉस सीखा था वो क्या कहती थी? क्या? कि लड़की की आंखों में कितना भी आईलाइनर लगा लो, आंखों में फिर भी चिंता दिख जाती है। और आप तो ना ही लड़की हैं और ना ही आईलाइनर का ऑप्शन है आपके पास। किस बात से परेशान है आप? चाट खाने चलोगी? मुझे पंडित की चाट बहुत पसंद है। हाँ नहीं नहीं वहां नहीं, मैं एक और अच्छी जगह ले जाता हूँ। हाँ कितना भाई? हाँ भैया 30 रुपए हो गए। भैया वो चूरन? हाँ शुक्रिया। हेलो। हाँ ले लिया। तू बस इतना मना कि कुछ हो, वरना बहुत मारेंगे तुम्हें कपिल। चलो बस हो गया काम। चलो
अरे आपका साबुन खत्म हो गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? आप गलती से लड़कियों के साबुन से नहा ले। मुझसे कह दिया होता तो मैं दराज में से दे देती आपको। वो साबुन से आपकी खुशबू आ रही थी ना, वही सही लगा मुझे। सुबह नहाती है और शाम तक बाथरूम महकता रहता है, कमाल है। यार ये नुस्खा तो सही चीज लग रही है, अभी से कुछ कुछ हो रहा है। अबे अभी ठहरो, अभी तो इश्क परवान चढ़ेगा। दो महीने में तुम्हें बाप ने मरवा दिया ना, तो हमारा नाम भी कपिल नहीं। हाँ ठीक है चल चल मैं रखता हूँ, चित्रा आ जाएगी। चित्रा चित्रा खोलो खोलो। हाँ आ रही हूँ। खोलो। आ रही हूँ। खोलो खोलो। अरे ये अचानक क्या हुआ आपको? अरे सुनिए तो, मेरे पास एक तरकीब है, उसे सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मरुधार मरुधार तुमको क्या लगता है, हमको पता नहीं क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? परफॉर्मेंस प्रेशर है भाई, सबके साथ होता है, सचिन को भी होता है सेंचुरी मारने से पहले, इसमें कोई बुराई नहीं है। रहने दीजिए पापा, सब आप ही का किया धारा है, बताइए क्यों बुलाया है? तुम्हारे दफ्तर बात कर लिए, 7 दिन की छुट्टी मिली है तुमको, ये लो ये पकड़ो हनीमून के 2 टिकट नैनीताल के, बहू को लेके जाओ घुमा के ले आओ। हमें कहीं नहीं जाना है। ये कंपलसरी है भाई। हाँ जैसे शादी कंपलसरी होती है वैसे हनीमून भी कंपलसरी होता है, समाज का उसूल है, समझा करो। होगा लेकिन डेडलाइन पे बच्चा पैदा करना कंपलसरी नहीं होता है। वो मेरे घर का उसूल है, समझा करो, पकड़ो टिकट। डेडलाइन पे बच्चा पैदा करना कंपलसरी नहीं होता है, जाओ। ब्रो दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तू कब से कह रहा था पहाड़ पे जाना है, पहाड़ पे जाना है, अब जा। अरे जब कहता था तब जाना था, अब नहीं जाना है, और इस हालत में तो बिल्कुल ही नहीं। अबे कैसी हालत बे, अब तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो। कैसी हालत? रात को हग हग के मेरी आंतें बाहर आ गई थी। सच बोलूं तो हनुमान चालीसा नहीं बोली होती ना तो नालियां जाम हो जाती। ये सब तेरी करनी है, तुम दोनों की करनी है। हमारी क्या गलती है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे थे। अच्छे काम करो, अब तुम दोनों जाओ और थोड़े दिन मौज करके आओ, हम लोग नहीं होंगे तो कुछ टेंशन भी नहीं होगी। सोलो हीरो सोलो हीरोइन सिचुएशन फारा सांग। गाना फोन करूं तो उठा लेना। चित्रा। अरे मनीष कैसे हो? अभी भी मेंटेन किया हुआ है? मुझे नहीं लगा था दोबारा कभी मिलेंगे। कैसी हो?
बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अब ये मेरे हस्बैंड है मरुधर। हाय मरु व्हाट? मरुधर, मरुधर पांडे। जस्ट लाइक द ट्रेन राइट? हाँ। मनीष बंसल, ये होटल मेरा है। अच्छा। चित्रा तुमने शादी कर ली, बुलाया भी नहीं? मैं पुराने सपने दोबारा नहीं देखती, टाइम वेस्ट लगता है। चलो आप लोग चलो, मैं सामान भिजवाता हूँ। चलो हम मिलते हैं। हाँ ओके बाय बाय। चलो ना मनीष से चार्मिंग ना। Surprise! अरे क्या हुआ, तुम अंदर कैसे आ गए? ये मास्टर की से, पर इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम पार्टी कर रहे हैं और वो भी एकदम ऑल स्टाइल। क्या कहती हो मनीष? व्हाट द हेल यार, चलो निकलो यहाँ से। क्या हम थोड़ी देर हैंग आउट नहीं कर सकते फॉर ऑल टाइम सेक? पागल हो? फ्रेंड की तरह नहीं तो एटलीस्ट गेस्ट की तरह हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। चलो जाओ। वैसे काफी मोटी हो गई हो पहले से। याद है जब क्लासिक टेलर वाला तुम्हारा नाप लेता था तो तुम कितना चिढ़ियाती थी? गलती उसकी नहीं थी, तुम थी इतनी सही यार। अच्छा ठीक है चलो निकलो। और याद है जब सुमन से मेरा ब्रेकअप हुआ था, उस रात तुमने अगर दारू पे साथ नहीं दिया था मैं तो मर ही जाता। और हमारी लव स्टोरी की शुरुआत भी तो वहीं से हुई थी। गॉड उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। अच्छा ठीक है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी निकलो ना। मुरुधर एक्सप्रेस तो कोयले की तरह हॉट हो गई है। चलो चित्रा मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ एग्जैक्टली चलो बाय बाय बाय। पागल है, पता है जब हम लोग पहली बार मिले थे तो, अरे मरुधर क्या हुआ? मरुधर कौन था वो आदमी? वो मेरा फ्रेंड था जब मैं 19 साल की थी, मैंने आंटी के बारे में नहीं बताया था जिनसे मैंने ब्यूटी कोर्स सीखा था, उनका बेटा है। और कुछ नहीं, हमने कुछ महीने के लिए डेट किया और फिर मुझे पता चला। किया? हाँ डेट किया। देखो चित्रा हम कानपुर के लड़कों को ना डेट वेट समझ में नहीं आता है, हमारे लिए लड़का लड़की में तीन ही रिश्ते होते हैं, भाई बहन सेक्स और शादी। मैं कानपुर से नहीं हूँ। अच्छा तो तुम प्यार करती थी उससे? हाँ उस टाइम करती थी। और अब? अब थोड़ी मरुधर उस बात को 7 साल हो गए। नहीं नहीं मेरा मतलब अब किससे करती हो? अब तुमसे हो रहा है। अच्छा तो वो साहब को रेडीमेड प्यार मिल गया है और मुझसे अभी हो रहा है? तू भी कतई मरुधर, औकात भूल जाता है अपनी। मरुधर कैसी लूजर टाइप की बातें कर रहे हो, वो मेरा पास था और मेरे पास में चाहे जो कुछ भी हो उससे हमें आज क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता था ना कि हम कानपुर के लूजर टाइप के लड़के हैं, जब मसाले की पुड़िया पे लिखा रहता है कि सेहत के लिए हानिकारक है तो पुड़िया ली क्यों, और ली तो फाड़ के खाई क्यों, सिर्फ इसलिए कि सड़क के किनारे थूक सके उसको। मेरा इंतजार मत करना, मैं लेट आऊंगा। क्या हुआ आपको, इतनी छोटी बात पर मुंह चढ़ा रखा है? मैं थोड़ा अजीब हूँ। आई लाइक अजीब, इसीलिए तो स्टिकर वाले टैटू लगाती रहती हूँ हर कहीं और हर कभी, लेकिन आपसे तो कम। ये क्या कि तिंके जैसी बात पे पूरे हनीमून को ही बिगाड़ दे। ओए मैडम। क्या हुआ? नहीं क्या है रानी सरकार, आप हमारे साथ आई हैं और आपका ध्यान है उधर। देख रही हूँ कभी आप भी उनकी तरह मासूम हुआ करते थे। है कमाल है, तब
मासूमियत से दुनिया को दिक्कत थी है। क्या आप जितने दिखते हैं वाकई में उतने ही मासूम हैं? ए ले ले। अरे अरे अब आना ये हे हे। गुड गुड। याद आ रही है, कुछ याद आ रहा ना? संभल के ये लो, आ गया। बहू कहाँ है? मैंने कहा था ना कोई कांड करके आएगा। ये बुकिंग तो 7 दिनों की थी, 3 दिन में बहू को नाराज करके आ गए। पापा प्लीज, आपको पता भी नहीं क्या हुआ है वहां पे। नहीं, मुझे पता करना भी नहीं है। सुनो, मेरी उम्र 2.5 गुना है तुमसे और अनुभव 6 गुना, समझ गए? बहू की कोई बीती हुई जिंदगी की बात निकली होगी और तुमसे सही नहीं गई होगी, क्योंकि तुम्हारी कोई बीती हुई जिंदगी है ही नहीं। बस बच्चों की तरह टांग फैला कर रोने लगे होगे, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या सच? भाई, व्हाट हैपेंस इन नैनीताल स्टेज इन नैनीताल, तू चिंता मत कर। हाय भाभी, कहाँ है? लखनऊ में है। तूने जाने क्यों दिया? अरे भाई, उसने कहा कि उसे खुद के साथ टाइम चाहिए। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना कपिल, हम जैसे लड़के खुद के साथ टाइम बिताने से डरते हैं, खुद से नफरत है। और ये जो मॉडर्न टाइप की ऊंचे उड़ने वाली लड़कियां, कोई अपने आप के साथ कैसे रह सकता है भाई? बताओ बे। हमको क्या पता, हम तो तुम्हारे साथ रहते हैं। इसके साथ कौन कौन रहता है? पता नहीं। अशोक जी नमस्ते, चित्रा का बाप बोल रहा हूँ। अरे मनोहर जी, कैसे हैं आप? आप गए नहीं, मुझे तो लगा आप चले गए होंगे। हैं? चले गए थे कहाँ? ऊपर ऊपर गधे ऊपर। हैं? अब नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आपका वो 4 धाम का प्रोग्राम था ना, तो मैंने सोचा उसके लिए आप निकल लिए होंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अभी कहाँ। अरे अभी तो आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? समदन जी कानपुर में है क्या? नहीं नहीं, सरला तो यही है। अरे आप खुशखबरी तो सुनिए, चित्रा प्रेग्नेंट है। क्या बात कर रहे हैं, कंफर्म न्यूज है? 100% भाई, इसीलिए तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको खबर कर दूं। आप मर्डर को तो बता ही देंगे। नहीं नहीं, उसको तो मैं बता ही दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार। अबे जिंदगी का इतना बड़ा काम कर दिया बे, और खबर हमको बाहर वालों से सुननी पड़ रही है। खुद नहीं बता सकते थे कि बहू प्रेग्नेंट है? क्या अभी क्या 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 कर रहा है? असमंजस में हूं कि सीधे हाथ का एक और जड़ दूं या कि सीधे हाथ का अंगूठा लगा के पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं?
अरे सुनती हो, तुम्हारे सद्दी राम ने परचम लहरा दिया भाई। चित्रा प्रेग्नेंट है। अरे लेकिन लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। हाय, मैंने कुछ किया नहीं। तो यू मीन सरोगेट चाइल्ड? तो अभी कहाँ ले जा रहे हो? अरे स्टेशन, मैं मरुधर पकड़ के लखनऊ जा रहा हूँ। मरुधर कैचिंग मरुधर एंड गोइंग टू लखनऊ। चलो चलो जल्दी चलो। रुको, मैं समझा सकती। पहले रेडीमेड प्यार, फिर रेडीमेड बच्चा। जब यही इरादा था तो मुझे बीच में क्यों डाला? मरुधर मुझे कहने तो दो, उसमें मनीष की कोई गलती नहीं है। वो क्या है कि आपकी पिक्चर रास नहीं आई, शो खत्म। आप दिल दुखाने का बदला दिल तोड़ कर ले रहे हैं। कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि मैं आपसे दोबारा प्यार ही ना कर पाऊँ। तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम्हें तो दोबारा प्यार हो चुका है। ये आपने सही नहीं किया, आपकी मासूमियत ने हमें CHEAT किया। पता है, सब मेरे पेशे को नकली कहते हैं। मेकअप, नेल पेंट, हेयर स्टाइल सब नकली लगता है लोगों को, पर मैंने सिर्फ अपने ब्यूटी पार्लर से ही प्यार किया। क्या पता था कि आपका प्यार तो उससे भी नकली निकलेगा। जाइए आप यहाँ से। अब आगे से किसी और की कुंठा शांत करने के लिए खुद को कुर्बान नहीं करूंगी मैं। जाइए। हम ही आपको समझ नहीं पाए, और समझते भी कैसे? कभी हाथ की तितली, कभी कंधे का पंख, कभी पैरों का गुलाब, कभी गर्दन की तलवार। आप क्या किसी की कुंठा शांत करोगे? आप तो सिर्फ दर्द दे सकती हो। परेशान हो गया हूं मैं अपनी इस जिंदगी से और आपके इस रवैये से। वो क्या कहती हैं आप? FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड। हेलो। हाँ कपिल बोल। अरे रुको, अभी सुंदर लाइन पे है। लाइन जोड़ रहे लाइन। हेलो सुंदर स्पीकिंग। हाँ ठीक है, क्या है, बोलना, क्यों फोन किया है? बताओ सुंदर, नैनीताल में क्या हुआ? लुक्स लाइक बी प्रो। अरे हिंदी में समझाओ, हिंदी में। अबे मैं और कपिलवा गए थे उसकी ईंट से ईंट बजाने, लेकिन पता चला वो तो पहले से ही ईंट और पत्थर का गुलाम है। मतलब? मतलब मैं और कपिलवा उसको नैनीताल में घेर लीस। अबे सौभाग्यवती को गर्भवती बना दिया और कहता हमने क्या किया। बताया तुमने क्या किया? ये कौन सी कविता पढ़ रहे हो? मैं तो क्या, मैं तो बे साले की परीक्षा लेने गए थे, लेकिन पता चला सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। बेबी ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे हैं? अरे कोरा कागज निकला बेचारा। अरे बाट को रड़ा रड़ा के खीर बनाओगे क्या? ग्रंड नहीं, रार समझाओ रार। ये तो चित्रा में इंटरेस्टेड ही नहीं था, ये तो मरुधर में इंटरेस्टेड था। नॉटी मनीष। होमो है होमो, बॉयफ्रेंड भी है उसका, और भाभी से इसलिए ब्रेकअप हुआ था, तुम्हें बताएं? और भैया LGBT का फुल फॉर्म मुझे और कपिलवा को बैठ के समझाया उसने अंग्रेजी में, वो भी। सब गलत हो गया, मैं रखता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तुम प्रेग्नेंट हो, मनीष गे है, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? नाटक था। मैंने आपकी और पापा की बातें सुन ली थी, और मुझे पता था कि आप तो उस शर्त के आगे मजबूर होके जो होगा करते जाएंगे।
लेकिन मैं आपको रोज टेंशन में नहीं देख सकती थी, तो मैंने सोचा ये ढोंग करके आपके सर से तलवार भी हट जाएगी और फिर या तो कुछ हो ही जाएगा या फिर हम कोई बहाना बना देंगे। गलत थी मैं, अब आगे किसी और की कुंठा शांत करने के लिए खुद का बलिदान नहीं दूंगी मैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज तक किसी लड़की के आसपास भी नहीं रहा हूं। काश ये सारी गलतियां बचपन में ही हो जाती। पता है मैंने आपसे शादी क्यों की और आप मुझ पे भड़के क्यों, दोनों का एक ही कारण है। क्या? आपकी मासूमियत। इसीलिए आप कभी कुशल बिजनेसमैन या राजनेता नहीं बन पाएंगे, वो बात ही नहीं है आप में। मुझे लगा आप सच्चे साथी तो हैं ही, कि आपकी मासूमियत काफी है। गलत थी मैं, इस मासूमियत के चक्कर में सूटकेस पैक करके बैठी थी मैं। तो चलिए ना, लौट चलते हैं। मैंने माफी भी मांग ली है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ ठीक नहीं हुआ है मरुधर। क्या तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं देता है? क्या मरुधर पांडे इतना मासूम है कि उसे बाप से पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है? कि बाप की शर्त पूरी करने के लिए बच्चा पैदा करने पे तुला है? कभी अपने आप से पूछा है कि बच्चा चाहिए कि नहीं? बीवी की तो छोड़ ही दो, कुछ ठीक नहीं हुआ है और मेरे वापस आने से होगा भी नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे नहीं खुद से है। मुझे लगा कुछ साल शादी का लुत्फ उठाऊंगी, सिर्फ सुखी गृहस्थ जीवन, पार्लर तो खुलता रहेगा। अब सीख गई हूं मैं, वो प्यार ही सही था। समझौता एक्सप्रेस तो मरुधर एक्सप्रेस से भी खराब निकला यार। मरुधर पांडे, सच्चा साथी, कुशल बिजनेसमैन नहीं, राजनेता नहीं, सच्चा साथी। साला बच्चा पैदा करने चला, वो बच्चा जो बाप के लिए शर्त है, बीवी के लिए मजाक और मरुधर के लिए फिलहाल नामुमकिन है। मरुधर, तुम मुझ में एक हीरो देखना चाहती हो जिसे मैंने खुद आज तक शीशे में भी नहीं देखा है। चलता हूं, अगर तुम मेरा इंतजार ना कर सको तो मैं समझ जाऊंगा। आज का मरुधर इसी योग्य है। बाय। तुम चले गए, कुछ बोला भी नहीं, पांव से मेरे फिसली है ये जमीन। तुम चले गए, कुछ बोला भी नहीं, पांव से मेरे फिसली है ये जमीन। सांसें भी कह रही हैं वो आएंगी नहीं, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। मुझे लगा आप सच्चे साथी तो हैं ही, कि आपकी मासूमियत काफी है। गलत थी मैं। जाने
तुम दिखते ही नहीं, दुनिया सारी पहले जैसी है, पहले जैसी खुशबू बस नहीं, आंखें भी थक चुकी है, आंसू बचे नहीं, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगी नहीं, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। किस बात की चिंता है, तुम्हें तो दोबारा प्यार हो चुका है, तो दोबारा प्यार हो चुका है, तो दोबारा प्यार, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगी नहीं, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। अरे रू अब्जा नहीं है, दारू है, दारू, दारू आराम से पियो, बाहर एक बजे तक खुला है। और दिस इज हार्ड ड्रिंक नॉट सॉफ्ट ड्रिंक। अरे यार टिकट फाड़ दी यार मैंने, धक्का भी दे दिया। You pushing woman power? ऐसे क्या हो गया, शादी हुई है, लग गया धक्का, हो जाता है ऐसा वैसा। ये मरोदर के साथ ही होता है क्योंकि मरोदर भी धक्के से ही पैदा हुआ है। अरे कुछ और बात कर यार, कुछ और बात कर, ये साला फिर उसी बात का कीड़ा कर देगा और बताएगा भी नहीं, कुछ और बात कर। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये कौन है? मेरा नाम मरोदर है क्योंकि मैं मरुधर एक्सप्रेस में पैदा हुआ था। मरुधर एक्सप्रेस कानपुर लखनऊ। मामा के यहाँ से लौट रहे थे कानपुर, कौशाम्बी में ही माँ को फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, उन्नाव पहुँचने के पहले ही किसी ने चेन खींच दी, ट्रेन झटके से रुकी, मैं धक्के से बाहर। वेरी स्विफ्ट ब्रो, वेरी स्विफ्ट। उतना ही नहीं, बचपन में मेरा बाप मुझे प्यार से S2 बुलाता था, S2 उसी कोच में पैदा हुआ था ना। बर्थ नंबर। तुम इधर। हाँ तुम बिजली विभाग में काम करते हो, रेलवे विभाग में पैदा हुए, तुमको तो यूपी सरकार का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए है। यार तुम एक काम करो, जल विभाग के पास जाओ, चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब जाओ। कमीना साला। जा, जा, जा। अरे यार छोड़ो। अरे अभी नहीं, अभी बंद है, कल सवेरे जाना, अभी चल विभाग बंद होगी। अबे खुलवा रहा है वही तो। हेलो। हेलो चित्रा, मैं सोने के लिए लेट हो रही हूँ, आप जल्दी बोलिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फोन रख रही हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। आप ना चाहते हुए मुझे ठेस पहुंचाएं और मैं जानते बूझते आपको माफ कर दूं। ये कैसा प्यार हुआ मरुधर? आप समझेंगे ही नहीं।
क्योंकि कानपुर कानपुर है और लखनऊ लखनऊ। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, तो हम इस बात के साथ कभी रह नहीं पाएंगे कि हमने बिना बात के आपका दिल तोड़ दिया। दिल तो टूट चुका है मरुधर, अगर आप में दिल तोड़ने की बेरहमी थी तो अब उसे जोड़ने का हुनर भी ढूंढ लीजिएगा। शहरे दिल के रौनक तू ही, तेरे बिन सब खाली मिर्जा। तू ही बता दे कैसे काटू रात फिरा खावाली मिर्जा। मिर्जा रे सुन जा रे, वो जो कहना है कब से मुझे शाहिद है सैयारे। एक पल मैं ना भूला तुझे मिर्जा, तेरा कलमा पढ़ना मिर्जा, तेरी जानिब बढ़ना, तेरे लिए खुदा से लड़ना मिर्जा, मेरा जीना मरना सिर्फ तेरे इशारे पे है, हो सिर्फ तेरे इशारे पे है। चांद वाली रातों में तेरी शोख यादों में डूब डूब जाता है ये दिल, मोम सा पिघलता है बुझता न जलता है, देख तो कभी आके गाफिल। मिर्जा रे सुन जा रे, वो जो कहना है कब से मुझे शाहिद है सैयारे। एक पल मैं ना भूला तुझे, एक्सक्यूज मी। अरे वाह आप हैं, कुछ लोगे? नहीं नहीं थैंक यू, आंटी नहीं दिख रही है। वो मार्केट में घूम रही होगी और मेरी जेब काट रही होगी। वैसे आपके भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ वो कुछ हाँ समझ गया समझ गया। आप में और मुझ में कॉमन चीज क्या है मालूम है आपको? आप हाँ कॉमन चीज क्या? नहीं है मैं बताता हूँ, जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं खुद को बेकार समझता था, वर्थलेस। अच्छा हाँ क्या बात कर रहे हैं सचमुच? हाँ वैसे मैं IIM का स्टूडेंट हूँ, पास आउट होने के बाद बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया मैंने। फिर तो आप में और मुझ में कुछ कॉमन नहीं है। मेरे बाप मेरी बात तो पहले सुन लो, नीता जी यानी मेरी वाइफ मुझे बार बार टोकती रहती है, इसलिए कि उसको लगता है कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसका ख्याल नहीं रखता, मैं अपने आप में मशगूल रहता हूँ। मगर ये बात है कि लड़कियाँ बहुत भाव खाती हैं, उनकी मिन्नत करनी पड़ती है। हाँ मिन्नत करने के बाद वो मान जाती है वो बात अलग है, 2 साल सिर्फ 2 साल शादी के बाद 2 साल यही कसरत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और 2 साल के बाद 2 घंटे उनको दूर कर दीजिए खुद बेखुद आ जाती हैं। और अगर सबकी स्टोरी आपकी तरह नहीं है तो समझ लो कि ये लव स्टोरी नहीं है। आप हमें कितना जानते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात है कि मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ जब मैं आपको देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं खुद ब खुद आईने में देख रहा हूँ। जरा बाल ठीक कर लो। क्या? जरा बाल ठीक कर लो। क्या? हाँ बाल ठीक कर लो, बिखरे हुए हैं। ये सब जो आप कह रहे थे उसमें सच कितना है? सब कुछ, बशर्ते एक बात है, मैं IIM का विद्यार्थी नहीं हूँ, लखनऊ के एक छोटे से दर्जी का लड़का हूँ और मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। तो फिर आपने झूठ क्यों कहा? अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो सच बताओ आप मुझ पर ध्यान देते, मेरी ये बातें सुन लेते हैं? नहीं ना माफ कीजिए, और एक झूठ बात कही है हमने नीता जी, वो मार्केट नहीं गई है ना, मेरा खिसा काट रही है, वो मुझ पर गुस्सा होकर कहीं तो चली गई है, 2 घंटे होने आए हैं। हाँ
कभी भी आ सकती है बस। तुम्हारे वाले कहाँ हैं भाई? वो अरे कमाल कर रही हो तुम, आते ही पूछताछ शुरू कर दी तुमने, उसको परेशान क्यों कर रही हो तुम? हा? आप यहीं बैठे रहेंगे या मेरे साथ मार्केट चलेंगे? मेरी जान, मैं तो जरूर चलूंगा, तुम्हारे सिवा तो चलिए कहाँ जा सकता हूँ मैं। लड़ो चलिए। अरे कहाँ कहाँ गई थी? चलिए तो सही, कुछ खरीदा कि नहीं अपने लिए? अरे भाई पैसे तो दो। हाँ कितने? 150 रुपए खुले देना। अरे भाई खुले नहीं है ये, 500 पकड़ लो, खुले करवा दीजिए। अच्छा ये बताइए ये अंकल कौन है भाई? बहुत पुरानी लव स्टोरी है, तुमसे नहीं होगा। और 150 रुपए खुले निकालो। क्या तुमसे नहीं होगा? हाँ क्या तुमसे नहीं होगा, बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ, तुमसे नहीं होगा। ये पकड़ो 500, लेके आओ खुले। जाइए, नहीं होगा ना, अब हम करके दिखाएंगे, अब समझ में आ गया हमको, अब जिंदगी के हाथों और नहीं कटवाएंगे। अरे 150 के छुट्टे। बुड्ढे के सामने शाहरुख बनने से कुछ नहीं होगा, बाजी करने के अलावा करने के वाले हो ये बताओ। ये ब्रो गिव अस द लो डाउन ब्रो। देखो भाइयों मैं अब भी वही हूँ जो पहले था, और सिचुएशन भी वही है जो पहले थी, बस अब अकल दाढ़ आ गई है। यू मीन विजडम टीथ? बात यह है कि अब से किस्मत हमारी कहानी लिखने से पहले हमसे पूछेगी, और इस बार हम दरखास्त नहीं हुकुम देंगे। ही मीन्स माँ बदौलत। अरे बूझो तो जाने खेल रहे हैं क्या, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। देखो मुझमें 3 चीजें हैं जो मुझे स्पेशल बनाती है। प्लीज इलेबोरेट। 1, मेरी कानपुर में इज्जतदार इमेज। 2, मेरा हद से ज्यादा निर्दयी बाप। और 3, मेरी खूबसूरत बीवी जिसके लिए मैं ये सब करने जा रहा हूँ। अरे यार तुमसे तो डर लग रहा हमको, करना क्या चाहते हो वो बताओ। इस बार प्लान बीरबल का नहीं होगा, इस बार प्लान सलीम का होगा, और अनारकली भी सलीम की। अलविदा दोस्तों। साला खुद से बात करके चला गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आया क्यों था। Looks like some shits are going to go down, bro. You understand? है? You feel me? I don't want to feel you. मनी समझे हो क्या? कर लो भैया। अरे अरे कर लो। अरे अरे सुनो। सही कहा। किशन। किशन। आया साहब। बाबूजी कह रहे थे आजकल आप थोड़े परेशान हैं। छाछ ले आऊं? तुम दो दो ड्यूटी करके थकने जाते हो क्या? साहब मैं सरकार के आपके बाप का नौकर थोड़ी हूँ, इसका नौकर हूँ मैं तो। अच्छा सुन, आज भी पार्टी खड़ी है? हाँ साहब मगर। बुला लो, बाहर मिल लो मुझसे। बुला लेता हूँ। सुन सुन। हाँ यहीं पे बुला लो। यहाँ पर बीच दफ्तर भरी दोपहर ही। अरे लेके आओ ना। क्या सर, हमें कितने दिनों तक इंतजार करवाया आपने? अरे क्या करें भाई, हम भी तो इंतजार में ही बैठे थे कि कब अकल आ जाएगी। खैर छोड़िए, ये बताइए बात कहाँ अटकी हुई है? सर ये है पेपर्स, आपके बाबू ने 4 महीने से अटका के रखे हुए हैं। चलो समझ लो कि पेपर निकल गई, ये बताओ आप हमारे लिए क्या लाए हैं? अबे तुम तो कह रहे थे कि साहब खंबे जैसे सीधे हैं, भाई हम तो मान के आए थे कि थप्पड़ वप्पड़ खाना पड़ेगा, ये तो कतई सुलझे हुए आदमी हैं। सुनिए। हाँ वैसे ये पेपर किस चीज की है? पेपर सर हमारे फायदे के लिए है और कुछ ज्यादा नहीं। साहब अपने बाप के नाम के बिजली के कनेक्शन के ठेके उठवाता है ये, कमाई इसकी और बिल भरता है बाप, लाखों का बिल आता है। सुनिए। ये मुझे बेहतरीन आइडिया देने के लिए। कैसी बात करते हैं सर। और ये उस गिरी हुई हरकत करने के लिए जो अपने बाप के साथ की, वैसे भी थप्पड़ की उम्मीद से आए थे ना, जरा जरूरी काम से निकलना है, ये किदवाई जी को दे दो, काम करवा लेंगे।
कोई तो कमाए। अरे ये क्या बात हुई, हम तो आए थे हाथ मिलाने के लिए और दे दिया थप्पड़। अरे छोड़ो ना तुम, साहब सनकी है। चलो मैं तुमको किदवई जी से मिलाता हूँ। अरे हमें भी निकलना है भाई जल्दी। चलो। ये नंबर है सब। ये? आ गए, बहू कब लाओगे? हाँ जमान ले, तलाक हो गया है। देखो अगर मेरे पोती की पैदाइश कानपुर में नहीं हुई ना तो शर्त नहीं मानेंगे, देख लेना। और ये मत समझना कि कच्ची गोली समझकर तुमको डबल बेडिंग दे देंगे, शर्त शर्त होती है। शर्त वर्त बाद में देखेंगे, पहले दो टुक बात तो हो जाए आपसे। अच्छा हा? ये सुर तो पहली बार लगा देख रहे हैं तुम्हारे गले में। मुझे आपसे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? अबे पागल हो गया क्या? आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि आपके अकाउंट में 55 लाख रुपए पड़े सड़ रहे हैं, और इतने सालों तक आप मुझसे जबरन खिलवाड़ करते रहे? हाँ पहली बात तो ये है बे कि तुम्हें कैसे पता चला, और दूसरी बात ये कि खिलवाड़ जबरन नहीं, तुम्हारी अकल को ठिकाने लगाने के लिए किया था। यकीन नहीं होता ना तो जाके अपनी माँ से पूछ लो। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। वो हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। पहली बात तो ये है कि आपके अकाउंट की पासबुक आपकी प्रिय सीडी से चिपकी हुई पड़ी थी। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, अंदर जा। और मेरे घिन आने के बावजूद मैंने उसे छान मारा। दूसरी बात यह है कि आपकी तपस्या सफल हुई, मेरी अकल ठिकाने आ गई है। अब आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे और आज ही देंगे। ये तो वही बात हो गई कि किसान जो है वो जमींदार से बोले, लाला जी आज से खेत आप जोतोगे, पैसे मैं गिनूंगा। डिसीजन आपका है, वरना खेत आप अकेले ही जोतेंगे और पैसे भी आप अकेले ही गिनते रहिएगा पीपल की छाव में। और अगर पैसे नहीं दिए तो दिल्ली में नौकरी लग गई मेरी, तो आप अपने बेटे बहू और होने वाले पोते पोतियों को अलविदा कह दीजिएगा, और जो 10 लाख रुपए है ना बाजू के नाटक मंडली में जमा कर दीजिएगा। फिर भाड़े के पोते पोती आपको दादा दादा कह के बुलाएंगे हर रोज। तुम्हें किसने काम दे दिया बे? काम सिर्फ अकल वालों को नहीं मिलता पापा, मुझ जैसे जुजारू भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो किस डगर जाएंगे आप, जिंदगी भर की कमाई अपने साथ लेके जाएंगे या 10 लाख रुपए देके दादा दादा कहलाएंगे? ऐसा तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था, और इतनी जल्दी होगा ये तो सोचा ही नहीं था। सुनो कहीं तुमने अपने बेटे से तो कोई बात नहीं की? तुम कैसे बात करोगे, तुम तो सिर्फ मुझसे बात करती हो। 10 लाख ले गया है लड़का तुम्हारा, ऊपर से 4 गाली दे गया मुझे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मेरे लिए? क्या अशोक जी आप भी खुद को उल्लू बनाते हो, ये सब मां बेटे की मिली भगत है। खैर खुशी का मौका है, आज तो बड़ा पेक बनाऊंगा, लार्ज वाला भोकाल। पिक्चर का नाम गलत तो नहीं लिख दिया? रोमांटिक है मालूम है ना? ओहो मैं पुराने सपने दोबारा नहीं देखती, टाइम वेस्ट लगता है। अच्छा कैसे भरोसा करें कि ये आप ही हैं? फोन चोरी तो नहीं हो गया आपका?
चलो अच्छा हो गया, अब तो मैं आ ही गया हूँ। कैसी हो? चित्रा जैसी। लगता है तुम्हें शाहरुख खान बहुत पसंद है। नाटक कर रही हूं। क्या इस सीट पे खटमल है क्या? नकली मरु का टैटू करवा के मजाक कर रही हो मुझसे? हाँ, मेरे बारे में तो सब नकली है। मेरा टैटू भी नकली है, मेरा काम भी नकली है, सब कुछ नकली है। हाँ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नकली कहोगे? मैं तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा था। और क्या किया मैंने बचपन से आज तक? यही तो दिक्कत है, अभी तक बचपन में ही जी रहे हो, ऊपर से बाल विवाह कर लिया। कम से कम बड़ों की तरह किसी का दिल तो नहीं दुखाया मैंने। मरुधर एक्सप्रेस में दिल नहीं, इंजन होता है। आप क्या जानती हैं? आप जैसी लड़कियां तो ट्रेन में सफर नहीं करती। हाँ, ट्रेन में सफर नहीं करती, लेकिन तुम जैसे लड़कों की तरह बेवजह शक भी नहीं करती। अरे तो क्या हुआ, हम कानपुर वाले हैं ना, जितना शक करते हैं उसे डबल प्यार भी करते हैं। लखनऊ की तरह नहीं कि बिना बात के बने राजधानी। फिर दिखा दिया ना कानपुरियापना, एक पैसे की तहजीब नहीं है लड़कियों से बात करने की। अरे प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, पता नहीं मैं आपके सामने मैं कभी ऐसे बात नहीं करता हूँ। प्लीज बैठिए ना। उस दिन मुझे टिकट नहीं फाड़नी चाहिए थी और आपको धक्का भी दे दिया। वाल्मीकि आश्रम की कसम, मैंने आज तक बिल्ली को आंख तक नहीं दिखाई। पता नहीं कौन समा गया मेरे अंदर, क्या सच है क्या झूठ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं तो मैं समझ जाऊंगा और समझूंगा क्या मैं तो इसी योग्य हूं। अरे मैं तो यहां तक कहूंगा कि बचपन में अगर मेरे बाप ने मेरी माँ को चिमटी तक काटी होती ना तो मैं पर्सनली तलाक करवा देता दोनों का। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कह रहा हूं, आज तक मैंने गिलहरी को गाली तक नहीं दी, ये तो जघन्य अपराध है। अब बल्कि यहां तक लड़कियों से जब माफी मांग रहे हो ना तो जानवरों के उदाहरण मत दिया कीजिए। बिल्ली गिलहरी क्या है। चलो चलो। अरे ये क्या है? नैनीताल में आपके लड़के मनीष की जो सेवा करके आए ना उसका बिल है, चुकवा दीजिएगा वरना कंप्लेन करने पे उतारू है। कंप्लेन? मगर वो भी जो कर रहा है गैर कानूनी है ना। अच्छा चलो। थैंक्स। क्यों? अरे मुझे पता है तुमने ये सब क्यों किया, और सच बताऊं नहीं करती ना तो मैं आज भी वही मरुधर रह जाता, स्लीपर क्लास सरकारी नौकर। मैडम दिख नहीं रहा एजेंट्स टॉयलेट है? आपको दिखाई नहीं देता यहाँ पे बातें चल रही है? लो लो कमाल है, आप दोबारा प्यार की बातें कब से समझने लगे? ट्यूशन लेके आए क्या? मेरा प्यार कोई नजले जुखाम वाला प्यार नहीं है जो चार दिन में दम तोड़ दे। कैंसर है कैंसर, मरने के साथ ही जाएगा। और इतने दिन जो लड़ाई में वेस्ट हुए उनका क्या? वेस्ट कहाँ, नया मरुधर बनने में टाइम तो लगेगा ही। और उस रात अगर तुम समझा देती तो। कैसे समझाती? आप इतने गुस्से में थे मुझे भी गुस्सा आ गया। किस भाषा में समझाती? किसी भी भाषा में, फ्रेंच में अमौर, उर्दू में उल्फत, तमिल में अनपू, थाई में ख्वामरा, और इंग्लिश में पता है क्या? एलओवी। दो हफ्तों में बहुत पिक्चरें देख ली क्या? इतनी भाषाओं में प्यार का इजहार, इतने फिल्में हो गए। तुम्हारी TICKET कहाँ है? पिक्चर तो अब शुरू होगी जब कानपुर के हीरो को लखनऊ की हीरोइन मिलेगी और पूरे यूपी के नाक में दम हो जाएगा। क्या यार तुमने तो गजब की पलटी मारी है। You smack the out of them bro, you are the dog. बस रुक, ये बताओ ये दिल्ली वाली नौकरी का क्या करोगे? कौन सी नौकरी बे, तू पागल है? मैं कानपुर छोड़ के दिल्ली के भसड़ में पड़ूंगा? तो तूने मना कर दिया दिल्ली के लिए? ऑफर भी मैंने ही किया था और मना भी मैंने ही किया है। मगर वो लेटर कहाँ है? अपॉइंटमेंट लेटर ब्रो, दिस इज वाइट लाइक एन इंग्लिश एज ब्रो। खाली पन्ना दिखा नहीं तुम्हारे बाप को? अरे लड़के ने इतने कॉन्फिडेंस से दिखाया है कि बाप की हिम्मत ही नहीं हुई खोलने की।
You are the rock, bro. Isn't it? It is. तो असली प्लान ये था कि अपने पिताजी से उगाए किए हुए पैसों से मैं चित्रा के लिए ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता था, उसका एक लौता सपना पूरा करना चाहता था, उसके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता था। अरे सोने, अब क्या हुआ? नाटक तो नहीं है ना? नहीं। यस 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 यस। नहीं, मरुधर की लाइफ वाकई काफी आसान है यार। सुनिए। अरे सॉरी, भूल गया फोन। पापा, पापा बुबा, बाबूजी नहीं है, अभी जल्दी में अस्पताल गए हैं 2 मिनट पहले। देखो ना, चप्पल भी यहाँ छोड़ गए। पापा। हाँ? अबे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बे? ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी खबर है मेरे पास। हाँ? मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। 4 हफ्ते पुरानी खबर है, अब जब भांग पी ही ली है तो आओ होली भी खेल लेते हैं। माफ कीजिए पापा, लेकिन 4 हफ्ते पहली वाली खबर से आप दादा नहीं। हाँ? मगर इस बार आप सच में दादा बनने वाले हो। मुबारक हो मिस्टर अशोक, आप बाप बनने वाले हैं और लक्ष्मी से आप मिल सकते हैं। जी। हो गया बे, हो जाता है, लेकिन हमको तुम पे गर्व है। जन्म पत्री पर ठोकर मार दी तुमने अपनी, और मुझे आप पे गर्व है। चलो निकलो, हम आते हैं, चलो। और सुनो, ये जो नया आने वाला है ना, दोनों मिलके सताएंगे उसको। कहां एक बेटे की जिंदगी को लाइन पे लगाने निकले थे और कहां दूसरी संतान का अरेंजमेंट कर बैठे। खैर कोई बात नहीं, यूपी में प्रेम कहानियां उम्र का लिहाज नहीं करती। अब चित्रा और मरुधर भी अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएंगे, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए अपनी जिंदगी में करने के लिए, नहीं तो जैसे पहले बेटे को सही रास्ते पे लगा दिया, वैसे दूसरे को भी लगा देंगे। लगता तो है कि अब हम दोनों होंगे कामयाब। आपको क्या लगता है? चासनी सी बात तेरी बर्फी के जैसा जिया, चासनी सी बात तेरी बर्फी के जैसा जिया, आँखों में थोड़ा नमक अंगूरी तेरा नशा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, देखूं तुझे तो भूलूं जहां, हाय हाय अमृत सा मेरा पिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया।
रूठे कभी तो मिर्ची लगे, हंस दे तो पिघली बर्फ, ओ बोले अगर तो शीरी बाह, छूले तो मीठी जलम, चश्मी सी बात तेरी बर्फी के जैसा जिया, आँखों में थोड़ा नमक अंगूरी तेरा नशा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, देखूं तुझे तो भूलूं जहां, हाय हाय अमृत सा मेरा पिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ओ ये तूने क्या कर दिया।